नमस्कार, चर्म रतिज एवं कुष्ठ रोग विभाग एम्स जोधपुर की ओर से कुष्ठ रोग दिवस 2022 के उपलक्ष्य पर विद्यार्थियों, रेजिडेंट छात्रों एवं फैकल्टी द्वारा यह वीडियो की श्रृंखला बनाई गई है। इस श्रृंखला का उद्देश्य कुष्ठ रोग के बारे में जागरूकता बढ़ाना एवं रोग से संबंधित भ्रांतियाँ मिटाना है। धन्यवाद। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार, आपके जांच की रिपोर्ट आ गई है? जी डॉक्टर साहब, ये रही। अच्छा, देखिए आपकी जांच रिपोर्ट में कुष्ठ रोग की पुष्टि हुई है, जिसके लिए हमको एमडीटी एमबी पैक का जो एक लाल पत्ता होता है जिसको हमें महीने महीने देना पड़ता है, वो वाली दवाई हमारा आपको चालू करनी पड़ेगी। पर डॉक्टर साहब, अभी तो मेरे घर में शादी है और फंक्शन है, तो क्या ये दवाई मैं 2-4 महीने के बाद स्टार्ट कर सकता हूँ? देखिए, इस बीमारी में अगर हम जल्द से जल्द इलाज चालू करेंगे तो हमारे इस बीमारी के जो दुष्प्रभाव और कुछ जो हानिकारक दुष्प्रभाव होते हैं वो कम से कम होंगे। डॉक्टर साहब, इस बीमारी के क्या दुष्प्रभाव हैं? देखिए, इस बीमारी के कई सारे दुष्प्रभाव होते हैं, जैसे हमारे हाथ पैर सुन्न हो जाना, ठंड गर्म का पता नहीं लगना, कभी कभी इस बीमारी में बड़े बड़े घाव भी होते हैं जो आसानी से नहीं भरते, और अगर ये बीमारी कुछ लंबे समय तक चलती है तो हमारे शरीर में कमजोरी भी आने लगती है। ठीक है डॉक्टर साहब, मुझे आपकी बात समझ में आ गई है, मैं जल्दी से जल्दी अपनी दवाई शुरू करना चाहता हूँ, पर क्या इन दवाइयों के कुछ दुष्प्रभाव हैं? देखिए, इस दवाई के जो दुष्प्रभाव होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं, जैसे जब हम ये दवाई शुरुआत में खाते हैं तो हमारे पेशाब का रंग लाल हो जाता है, या इसमें एक और दवाई होती है क्लोफाजिमिन नाम की, जिससे शरीर की जो चमड़ी होती है वो चमड़ी काली पड़ने लगती है, पर जैसे जैसे हम दवाई का और हमारा कोर्स पूरा हो जाएगा वैसे वैसे ये दुष्प्रभाव भी कम होने लगते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, आप ऐसा कीजिए कि मुझे 12 महीने की दवाई एक साथ दे दीजिए, मैं अपने घर जाकर उन्हें नियमित रूप से लेता रहूंगा। देखिए, हमें हर महीने महीने आपको पत्ता देना होगा, ठीक है, हमें हर 28 दिन में आपको आना है और हमसे पत्ता लेना है, तो हो सकता है कि आपकी जो दवाई है वो 28वें दिन खत्म हो जाएगी, इसलिए आपको 27वें दिन आना है और फिर हमसे नियमित रूप से पत्ते हर महीने लेना है और उनको नियमित रूप से खाना है, दवाई को लेना है। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल बुडानिया, सह आचार्य चर्म रति एवं कुष्ठ रोग विभाग एम्स जोधपुर की तरफ से इस विश्व कुष्ठ रोग दिवस पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसे कि उक्त वीडियो में हमने देखा कि निदान के बावजूद मरीज उपचार शुरू करने में देरी कर रहा है, जो कि एक खतरनाक बात हो सकती है, क्योंकि कुष्ठ रोग का इंक्यूबेशन पीरियड काफी लंबा होता है। इंक्यूबेशन पीरियड वह समय है जब कीटाणु शरीर में प्रवेश करता है और बीमारी का प्रथम लक्षण उत्पन्न होता है, यह कुछ सालों तक हो सकता है। जब तक बीमारी का निदान होता है तब तक मरीज में काफी जटिलताएं उत्पन्न हो जाती हैं चमड़ी की एवं नसों की। अगर निदान के बावजूद उपचार में देरी की जा रही है तो ये जटिलताएं और बढ़ सकती हैं। इसका दूसरा नुकसान ये है कि जब मरीज में संक्रमण है, कीटाणु है, तो वो इस संक्रमण को, इस बीमारी को परिवार के या समाज के अन्य सदस्यों तक भी फैला सकता है। तो इस विश्व कुष्ठ रोग दिवस पर मेरा ये संदेश है कि कुष्ठ रोग को अगर हमें हराना है तो इसका उपचार हमें तुरंत शुरू कराना है। यह उपचार सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त उपलब्ध है। इसी के साथ मैं आपके स्वास्थ्य की कामना करता हूं। नमस्कार।